गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर वेल एंड गुड। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि मैं लॉन्च करके कहीं जा रही थी, तो मैं लॉन्च पार करके, बिचाली घाट से लॉन्च पार करके अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे फ्रेंड के घर में। तो वो फ्रेंड को आप लोग जानते होंगे, वो मेरी गृह प्रवेश में भी आई थी, तूतूल दीदी। तो मैं उनको दीदी बोलती हूँ, लेकिन हम लोग दोस्ती है, एक साल बड़ी है वो मुझसे, मेरे से, तो मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ मेरे से, और वो नाम पुकार के मैं नहीं बुला पाती उनके। तो चली आई हूँ उनके घर और ऑन द वे हूँ, अभी 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तूतूल दी ने मुझे बोला था तू तो नहीं पहचानेगी, क्योंकि तू एक ही बार आई है, शायद तू भूल सकती है। तो मैं क्या कि मुझे बिल्कुल याद है, गाड़ी आ रहा है, हाँ, तो मुझे बिल्कुल याद है मैं कहाँ उतरी थी। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है चीकुआ नहा रहा है, तो उनके घर के सामने चापाकल है, ठीक है, तो चापाकल के सामने उनका घर है और मैं एकदम पहुँच गई हूँ उनके घर में। तो चीकू का एक वीडियो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। चली आई हूँ तूतूल दी के घर, मुझे मैंगो ड्रिंक दी है और उन लोग सोच रहे कि अरे अकेले कैसे आ गई क्योंकि तूतूल दी पूरा रेडी हुई थी मुझे लेने जाने के लिए। और यहाँ है पिशी मोनी, आ गई हूँ मैं यहाँ, सबको परेशान कर दूंगी अब, बहुत मज़ा आने वाला है। और तूतूल दी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तूतूल दी ये देखो आ गई, तूतूल दी, हम सोचे उसको लेके आएंगे, ठीक है, वो पहले ही आ गया, उसका याद है ना पहले से, एक बार ही आया बट याद है उसको। हाँ पहले से ही अच्छा लग रहा है, मैं आई हूँ। हाँ बहुत बहुत, मैं की बोल खूब खुश। तूतूल दी के लिए कुछ ला नहीं पाई तो एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, वो मैं तूतूल दीदी को दे देती हूँ। बर्थडे गिफ्ट ना, डेमली गिफ्ट। अरे थैंक यू सो मच, दारू मजे। खुले देखो पसंद किना दारू, हमें उनको कैसा लगा गिफ्ट वो तूतूल दी बताएगी। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा ये टॉप, मैंने कि शॉर्ट ड्रेस बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है इसलिए कि शुद्ध और कुछ ही। अभी आ चुके हैं तूतूल दी के रूम में और उनका जो हैंड वर्क है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इधर कितना सुंदर सुंदर ग्लास देख लो, की फ्लावर हाउस, फ्लावर वॉज बनाई है, वो भी जो बॉटल रहता है ना कांच का बॉटल में, सुंदर से हैंड वर्क की है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये राधा कृष्ण भी बनाई है बहुत सुंदर। और ये है इनका सर्टिफिकेट जो नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड डांस का, बहुत अच्छा डांस करती है, उनका खुद का डांस का स्कूल भी है ना। खूब तारीफ कर दे वो, उनका हिंदी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट है और दिल की बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरफ। यहाँ मैं चेंज कर ली हूँ, फ्रेश हो गई, अब मैं और तूतूल दी थोड़ा ऊपर जाएंगे, तूतूल दी की मम्मी ने कुछ बनाया है मेरे लिए, तो चलो चलते हैं ऊपर। यहाँ तूतूल दी की मम्मी ने बनाया है एग चाउमिन मेरे लिए, अभी 12:30 हो रहा है, तो अभी अगर मैं चाउमिन खा ली तो मैं लंच कैसे करूँगी, मेरे तो पेट ही भर जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ही, छोड़ा नहीं है ये, बट इसमें मैं थोड़ा सा तूतूल दी को भी खिला दूंगी, तो चलो जल्दी से खा लेते हैं। देर तक सोए हुए थे, बहुत सारे बातें किए क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग मिले इसलिए। और एक सैड न्यूज़ भी है कि मैं कल ही शाम को यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं और एक दो दिन रहूँगी, लेकिन मेरा कॉलेज से फ़ोन आ गया, मतलब मेरे दोस्त लोग कॉल किए थे, बोले कि प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है तो 29 को मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए कल ही शाम को मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगी। और ये बात जब मैंने तूतूल दी को बोला तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, पता नहीं क्यों अपसेट है, बोल रही मुझे मत दिखा, मुझे मत दिखा, कह लो की हो इसे, की हो इसे, मूड नहीं है, की मूड नहीं है, की हो बोलो, चले जाएगी ना, लाटो को आबड़ आज को तो
तो जो भी है आज पूरा मस्ती कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चले जाएंगे लंच करने, झाड़ू हमें तो जेते हबे, हमार परीक्षा गुलो के देबे। अरे की करबो, आबार आसबो सैटरडे संडे देखे। यार ये लड़की मुझे यहाँ से छोड़ेगी नहीं, इनका बस चले मैं यही एकदम परमानेंट शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो ठीक है चलो ऊपर चलते हैं, लंच का टाइम हो गया है। वैसे मुझे भूख उतना लगा नहीं है, पर खा लूंगी। हम लोग ऊपर आ गए खाना खाने के लिए, और यहाँ है हमारा छोटू। ये तो नाम था कि ना घोड़े की बोले ना पीकू पीकू। तो ये है पीकू, शर्मा रहा है अकुरी। तो कॉन्फिडेंटली बोल चलीस, हाय हाय बोल बोल भी ना कहनो शोनो मोनो। मुझे बोल रहा है कि प्लीज मुझे मत लो, मैं तो अच्छा नहीं लगता कैमरा में, प्लीज मुझे मत लो। मैं बोली क्यों नहीं लूंगी तुझे, तो मैं लूंगी, तुझे ही देखने आई हूँ मैं दूर से। शोनो मोनो अमर मिठुंदा, अमर मिठुंदा। अभी पिकू से पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है, मैं इतना दिन बाद तुम लोग के घर में आई हूँ। तो पिकू बहुत ही अच्छा लग रहा है आप हमारे घर में आए हो, पर कल ही चले जाओगे आप कॉलेज। एक दो दिन रुक जाते ना बहुत ही अच्छा होता। एक दो दिन रुक जाते, मैं तो यहाँ महीने भर रहूंगी एकदम, बाद महीने भर रहूंगी। अरे रहूंगी ऐसे मत बोलो। पर ये पता बहुत जाने मत तुम, जाने नहीं देगा। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा हिंदी बोलता है, तुतुलदी से भी ज्यादा अच्छा हिंदी यही बोलता है। हिंदी बोलना आता है छोटे से? मैं फ्री फायर में हिंदी में एक बात बोलता हूं। ओ वो फ्री फायर प्लेयर है ओ। तो यहाँ पिशी मोनी मुझे पूरा एकदम जमाई आदर दे रही थी, पूरा जमाई की तरह इतना सारा खाना सजाकर मुझे दी है, और मैं जल्दी जल्दी खा भी ली। रेस्ट करेंगे, चीकू भी ऊपर है, आ चुका है, ट्यूशन गया था पढ़ने, चीकू आ गया है। और पीकू को बोले कि खाना खा के नीचे आ जाना, तो हम लोग सब लोग मिलके थोड़ा सा मस्ती करेंगे, इतना दिन बाद मिले हैं। और शाम को कुछ प्लानिंग है बाहर जाने का, तो ठीक है फिर शाम को रिकॉर्ड करूँगी। अभी थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, तो ठीक है चलो। तो अभी बज गए 4:30, और हम लोग सो सो के इतना ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, बाप रे बाप, पूरा नींद, अगर थोड़ा सा नींद भी आ रहा था वो भी उड़ गया। और यहाँ अभी तुतुलदी फ़ोन काट रही है, और यहाँ पीकू सोया हुआ है। वो हाथ में क्या है? विक्स पेपर। क्या ना माथा वाथा कुछ सिर दर्द कर रहा था। सारा जीवन शायद। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद 5:30 बजे हाँ 5:30 बजे हम लोग निकलेंगे बाहर, गंगा पार जाएंगे थोड़ा सा, तब ठीक है। हाँ चिकन हार्ट, चिकन हार्ट में जाएंगे। एक तो बोले देते तोर बाबा रोई ये टर बापड़े, तो मेरा पापा का एक दुकान है चिकन हार्ट, जो जहाँ पर हम घूमने जाएंगे खाने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए। रिव्यू भी दे दूंगी कैसा है, क्या कैसा है, कहाँ है, क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ बता देंगे वीडियो में। गाइस हम लोग शाम हो गया, तो हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ सब बच्चे लोग खेल रहे हैं, और मैं तुतुलदी पीकू और विशालदा निकले हैं। तो अभी हम लोग चले आए हैं काली मंदिर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब काली पूजा में बहुत अच्छा बाजी सब की बने वाला पटाखा। सामने से भजन भी आ रहे माके जाके।
मंदिर से निकल जा रहे हैं, मंदिर से निकल के हम लोग चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? गंगाधर। हाँ, गंगा के पार जाएंगे। यहाँ एकदम सामने जस्ट 2 मिनट्स है घर के सामने से, तुतुलदी के घर के सामने से जस्ट 2 मिनट्स है। हम लोग 2 मिनट्स, हाँ 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग चले जाएंगे वॉक करके। तुतुलदी भी एकदम रेडी हो गई है, तो चलो चलते हैं। हम लोग एक पार्क में एंट्री ले रहे हैं, विश्व बांग्ला हम लोग को दिखा रहे हो। फ्रंट कैमरा बेशी भालो, वाओ खूब सुंदर, छोटर मध्य खूब सुंदर, बोलो बहुत बहुत ही सुंदर एक एनवायरनमेंट एकदम। हाँ, बैठने के लिए जाएगा भी है और क्या क्या है सब कुछ। अभी हम लोग चले आए हैं गंगा के पार, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, कौवा क्या क्या कर रहा है पता नहीं, कौवा क्यों क्या क्या कर रहा है पर बहुत, यहाँ अगले बार भी आए थे और इससे भी ज्यादा तो इससे भी ज्यादा हवा अगले बार, मतलब पिछले बार हम लोग जब आए थे तब ज्यादा चल रहा था। कि जो बोलते सच देख चीज कर देख चल बोल बोल ওরকম এ করছিস কেন আমাকে দেখে কি লাভ तो मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर व्यू है। अभी सनसेट का टाइम है ना, सन शायद डूबी है। तो अभी हम लोग चले जा रहे हैं दीदी के पापा के रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने नया रेस्टोरेंट खोला था तो तब ओपनिंग में बुलाया था, लेकिन एक बार भी हम लोग गए नहीं है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं और मैं बहुत अच्छे से रिव्यू दूंगी कि कैसा है कैसा नहीं। हाँ, इन्जॉय भी करेंगे ऑब्वियस, वो तो ऑब्वियस सा बात है। तो चलो चलते हैं, और सूरज भी ढलने वाला है, एकदम शाम हो गया तो शायद उतना क्लियर ना आए फोटो, बट वहाँ रेस्टोरेंट में तो पूरा लाइट है। तो चलो चलते हैं। मैं जाते जाते ये एक सुंदर सा जगह मुझे मिल गया है। तो यहाँ बनता है मूर्ति भगवान का, और कुछ बोलो तुम लोगों को पता होगा ना, बोलो कुछ। ये बहुत फेमस है जगह। हाँ, सब बाहर से बहुत दूर दूर से इधर से मूर्ति लेने आते हैं पूजा के टाइम। तो अभी चले आए हैं मेन गंगा के पार, जो बहुत ही बड़ा है। सेकेंड ब्रिज देखा है? अच्छा, कोई देखिए पता नहीं, माता सेकेंड ब्रिज देखा देखा जा, फोटो बना मुझे आशी, हमें सामने का देख तो अच्छा देखा जाए वही पास। तो अभी यहाँ थोड़ा देर हम लोग बैठेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा शांति है। अच्छा शांति है, बट मुझे कैसे लग रहा है देखो ठीक। अरे तो अंधेरा हो गया ना, इसलिए सनलाइट नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो ऐसा आ रहा है, वरना उधर दिखा ना, वो वहाँ दिखा दी हूँ मैं। अभी हम लोग आए हैं गंगा के पार, देखो ये व्यू है, शाम का टाइम है, सब आज कोई भी आ सकते हो, फैमिली के साथ आके बैठ सकते हो इधर, कभी मन करे तो आ जाना। हम लोग चले जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, तुतुलदी के पापा के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी चल रहा है, आई होप मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही होगी, नहीं तो रेस्टोरेंट में जाके बात करते हैं, ठीक है चलो। स्पेशल चीज़ें ऑर्डर दिए हैं, पता नहीं क्या क्या दिए, और यहाँ सामने रोड है ना तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है साउंड का, बट आई होप मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा होगा। तो तुलदीदी ने ऑर्डर दिया है क्रिस्पी चिकन पिज़्ज़ा, चिकन पॉपकॉर्न और फिश फिंगर, ये सब ऑर्डर दिए हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स। तो देखते हैं कब आएगा, एंड आई होप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड
न्यू चीज़ें ट्राई करने के लिए। सो गाइज, ये है मेन्यू कार्ड जहाँ आपको सारा प्राइस दिख जाएगा। बहुत सारा वेराइटीज़ है, आप यहाँ देख सकते हो, और यहाँ कॉम्बोज भी है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग डेफिनेटली यहाँ जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाता है चिकन पॉपकॉर्न, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में, और हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि कब ये हमारे पेट में जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो यहाँ मैं और पीकू एक साथ बैठे हैं, मैं बोलती हूँ लो म्यूनिस खोल दो और मैं यहाँ बस बैठी हूँ टेस्ट करने के लिए। तो वो म्यूनिस खोल के मुझे देता है और यहाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। और ओके, ये चला गया मेरे मुँह के अंदर, लेकिन काफ़ी गर्म था बट टेस्ट सीरियसली बोलूँ तो बहुत ही अच्छा था। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं KFC का भी खाई थी क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न, उतना खास नहीं लगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्रंचीनेस, भरपूर क्रंचीनेस है इसमें, और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा मुझे। और यहाँ पीकू भी हमारा फूड व्लॉगर बन गया है, तो मैं उसको बोली कि थोड़ा मुँह यहाँ ला और इधर ऐसे खा के दिखा, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तो काफ़ी अच्छा था टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये रेस्टोरेंट जो है ये है आंदूल में चापातौला, जो लोग यहाँ रहते हैं डेफिनेटली जा सकते हैं। ये प्राइस भी काफ़ी हाई नहीं है, एकदम रिजनेबल प्राइस है, बहुत अच्छा है। और यहाँ देखो मैं तो बस खाई जा रही हूँ, जैसे मैं खाने ही आई हूँ यहाँ, और पीकू को भी बोल रही रुक जा भी मैं खा रही हूँ, उसके बाद तू खाना, क्योंकि तू हाथ आगे कर रहा है तो मेरा कैमरा ढक जा रहा है। और फिर मैं सबको ऑफर कर रही हूँ कि खाओ खाओ, मैंने खा लिया, अब खाओ खाओ, तुम लोग भी खाओ यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आ चुका है फिश फिंगर। तो यहाँ पीकू एकदम फूड व्लॉगर की तरह दिखा रहा है फिश फिंगर, और वो अभी खा के दिखाएगा कि कैसा है, कि कैसा लग रहा है। तो वो म्यूनीज में डिप करके एकदम खा रहा है और अभी बताएगा। मैं उसको बोल रही हूँ प्लीज़ फ्रेम में आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ। ओके, अब वो फ्रेम में आ गया और बोल रहा है ओह लाजवाब बहुत। तो मैं एक बात कहती हूँ कि ये उसके पापा का ही रेस्टोरेंट है और वो पहले भी खा चुका है ये सब, बट पता नहीं है वीडियो के लिए शायद वो ऐसे कर रहा था। तो यहाँ अब मैं ट्राई करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ टमेटो सॉस से खा रही हूँ फ़िश फिंगर। तुतुलदी ने बोला था फ़िश फिंगर बहुत अच्छा, काफ़ी गर्म था, लग रहा था मेरे मुंह से धुआं निकल जाएगा। और यहाँ मेरा एकदम कॉपी कर रहा है पीकू, देखो उसको भी केचप से ही खाना है, तो वो केचप से खाएगा। मैं जैसे जैसे करूँगी वो भी वैसे वैसे करेगा। और ओके, अब पीकू का रिएक्शन देखो, पूरा मम पीकू क्या करेगा समझ नहीं पा रहा है, और यहाँ मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है काफ़ी मज़ा आया था। मैं बोली ठीक है रख दे, वो अब बोल रहा है कि मैं ना और फिश नहीं खा पाऊँगा। अब मैं बोली कि हाथ तू बार बार कैमरा के सामने दे रहा है, थोड़ा सा इस साइड आ जा, ठीक है। तो अभी मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं भूल ही गई थी एक टाइम के लिए कि कैमरा रखा हुआ है, खाए जा रही हूँ पर सच बोलूँ बहुत अच्छा था फिश फिंगर भी, बहुत टेस्टी था। और अंदर का जो फिश था एकदम सॉफ्ट, शायद वो पापदा था या भेटकी था शायद, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सबको ऑफ़र करते हुए मैं सबको बोल रही हूँ कि सब लोग पी सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। और यहाँ फिर से फूड व्लॉगर हो गया है हमारा पीकू, कभी खा रहा है फिश कभी खा रहा है चिकन, तो काफ़ी अच्छा था। और अभी पीकू का रिएक्शन देखना, ओके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट हम लोग ने जो ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा आ गया, तो यहाँ विशाल दा बार बार बोल रहे थे ऐसे घुमा वैसे घुमा, क्योंकि उनको करना था वीडियो। तो मैं बोल रही ठीक है जल्दी से मैं खोल रही हूँ, तो ये मैंने ओपनिंग कर ही दिया है, और अब इसमें पता नहीं जंतर मंतर कुछ पढ़ रही हूँ मैं
तो ये पिज़्ज़ा जो था इसमें 8 पीस था और चीज़ आप देख ही सकते हो लोडेड ऑफ चीज़, और ये था क्रिस्पी चिकन पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ जो रिसेप्शन में दीदी बैठी थी वो ही हमें सजेस्ट की कि ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करने, बहुत ही ज़्यादा, ये देख सकते हो आप चीज़ एकदम गिर जा रहा है चीज़, और यहाँ सब हंसे जा रहे पता नहीं क्यों, और मैं थोड़ा कैमरा के लिए थोड़ा पिज़्ज़ा को आगे खींच लेती हूँ। फिर तुतुल दी मुझे बोलती है एक स्लाइस ले ले, तो मैं ऐसा पिज़्ज़ा उठाती हूँ कि क्या बताऊँ, पिज़्ज़ा का जो ऊपर का स्टफिंग था वो गिर जाता है। उसके बाद मैं दूसरा पीस उठाती हूँ और चीज़ लटक रहा है आप देख ही सकते हो, और सबको बोलती हूँ अब ले लो सब लोग ले लो, मुझे शर्म आ रहा है अकेले, प्लीज़ तुम लोग भी ले लो। बेचारा पीकू वेट कर रहा है कि कब ये अंजलि दीदी खाई और कब मैं खा पाऊँ, तो यहाँ मैं अपने मुंह में घुसाते हुए और पूरा स्टफिंग्स गिर जाता है, वो क्रिस्पी चिकन एकदम गिर ही जा रहा था, फिर मुझे हंसी आ रहा था। फिर तुतुल दी टिशू मांगी, फिर मैं एक टिशू ले लेती हूँ। हाँ, तो टिशू लेने के बाद फिर भी मैं खाई जा रही हूँ, मैं रुकी नहीं, मैं खाऊंगी, मैं तो खाने आई हूँ, मैं तो खाऊंगी ही। तो अभी फिर से आ जाता है हमारा पीकू फूड ब्लॉगर, मैं उसको देख रही हूँ उसको देख के थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ उसकी तरह करने का, और सबको बोल रही हूँ ले लो सब लोग एक एक करके ले लो, बस ख़त्म ही हो गया वेट कर रही हूँ कि सब लोग लेंगे एक साथ खाएंगे, और नज़र दे रही हूँ मैं, शायद देखे जा रही हूँ सोच रही हूँ प्लीज़ मेरे लिए एक रख दो प्लीज़। फिर मैंने बोलती हूँ विशाल भैया को बोलती हूँ मैं कि मेरे से एक क्रिस्पी चिकन लोगे, वो बोलते नहीं नहीं तू खा, और यहाँ फिर से मैं ठूसते हुए और टेस्टी और हमारा पीकू फ्रेम से फिर से बाहर जाते हुए, उसको तो मैं कूनी से मार ही दूँगी काफ़ी मज़ा आया कल, देखो फिर से वो फूड ब्लॉगर है, वो नहीं रुकेगा, पीकू हमारे रुकेगा नहीं पीकू मेरे साथ ही एकदम संग देते हुए, वो भी खा रहा है, बातें कर रहा है, मैं भी खा रही हूँ और बातें कर रही हूँ। तो अभी ये हमारा लास्ट पीस है, बस फिर ख़त्म, और पीकू यहाँ पीकू को देखो, मुझे बहुत हंसी आ रहा है पीकू को देख कर, और ये भी मैं ठूसते हुए एकदम खा ही ले रही हूँ। ओहो, लिपस्टिक भी खा लिया मैंने, कुछ कह नहीं सकते, इतना टेस्टी। पर सच बताओ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था, आप लोग भी जाओगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पीकू को देखो उंगली चाट रहा है उंगली को पूरा मुँह के अंदर घुसा घुसा के चाट रहा है, इसको इतना चीज़ पसंद है, घर का खाना बोलो बिल्कुल नहीं खाता। तो यहीं पर समाप्त होती है हमारा रिव्यू, और काफ़ी अच्छा खाया, पूरा पेट भर गया था। तो अब हम लोग चले जाएंगे बाहर, सबको परेशान कर दिए। अभी हम लोग वहाँ से निकल गए और यहाँ तुतुल्दी खरीद रही है तड़का, फिर हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग थोड़ा चल के आगे जाएंगे और वहाँ खाएंगे फालूदा। इन लोग का ज़्यादा मन है, मेरा उतना मन नहीं है, बट खा लूँगी, फिर वहाँ से टोटो करेंगे, फिर घर चले आएँगे। एंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 8 बज गया है। हम लोग आ गए हैं फालूदा खाने, हम लोग ने 3 फ्लेवर का फालूदा ऑर्डर किया है, मैंगो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, मैंगो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फालूदा, 3 ही ऑर्डर किया है। मैं सबसे थोड़ा थोड़ा खा लूँगी, ठीक है। हाँ, इन लोग के यहाँ फेमस फालूदा यहीं मिलता है, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। चॉकलेट, हाँ, तो तीनों फ्लेवर ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो स्टिल वी आर ईटिंग, मैं लिपस्टिक भी खा ली फालूदा के साथ, मैं लिपस्टिक भी खा लिया।
नाइस, बहुत अच्छा। तो फालूदा वालूदा खाने के बाद हम लोग को आइसक्रीम खाना था, तो मैं और चिकू पिकू मैं और पिकू आइसक्रीम खा रहे हैं। अभी चले जाएंगे घर आइसक्रीम के साथ, मैंने बिस्किट भी खा लिया और बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट फुल। तो चलो घर चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं घर, फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद अभी चले जाएंगे ऊपर थोड़ा बैठ के सब लोग, बहुत दिन बाद काकी माँ लोग फिर जेठी माँ सब लोग एक साथ ऊपर बैठेंगे और थोड़ा बातें गपशप करेंगे। और अभी बज रहा है 9:30, तो 10 बजे जब हम लोग डिनर करेंगे, मैं भी डिनर करूँगी कि नहीं मुझे नहीं लगता, इन लोग मुझे बिना खाए सुलाएंगे, तो आधा रोटी खा लूँगी फिर चली जाऊँगी सोने। तो फिर यहाँ हम लोग खेलने लगे ट्रम्प कार्ड्स, और देख ही सकते हो कि हम लोग का 1-2 राउंड हम लोग खेल रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हुआ ट्रम्प कार्ड खेलते खेलते, कि बीच में हम लोग और खेले ही नहीं। लोगों के साथ कभी कार्ड खेलना ही नहीं चाहिए, सब चीटिंग कर रहे हैं। एक नंबर की चीटर, और ये पीकू तो 1 नंबर का चीटर है, सब कुछ उसका। और ये है, ये दिखाओ दिखाओ, ये है प्रो प्रो चीटर, प्रो चीटर। और मेरा पहले से ही यही काम था, मेरे मुझे मुझे बदनाम कर दिया चीटिंग। मैं अच्छा तो खेल वो ना, आमी खेल वो ना, सब पहले से खेलना। गाइस हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है, रात का डिनर भी कंप्लीट हो गया, तड़का रोटी हम लोग खाए एक एक करके सब लोग, और मिठाई खाए। तो अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए सब लोग, टायर्ड हो गए चीश, उसका आवाज़ भी नहीं निकल रही इतना वो टायर्ड हो गया। और ये है तूतुंदी, मेकअप उठाऊ नहीं कह रहा तो कि मोना अच्छी दिखे। वाह मेकअप मेकअप करके सो रही है तूतुंदी। तो आज का दिन यही ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो क्या क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, प्लीज लाइक कर देना व्लॉग अच्छा लगे तो। व्हाट वाज दैट। सो गाइज आज के लिए इतना ही, और अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर। तो ठीक है, चलो आज के दिन यही ख़त्म होता है। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और तूतुंदी सुपर एक्साइटेड, कल मैं चली जाऊँगी इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं। हाँ मैं कल चली जाऊँगी इसलिए ज़्यादा एकदम नहीं। तो ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा टाटा, गुड नाइट।